नंबर वन कार ब्रांड सेल इन जून 2024 तो वो है आपका तानी। क्या हो गया पिछले कुछ महीने से टाटा नेक्सॉन को लोगों ने मतलब पसंद करना बंद कर दिया, उसकी सेल कम हो गई है और अब तो टाटा पूरे ब्रांड की सेल जून 2024 के अंदर काफी नीचे गिर गई। महिंद्रा की जो ग्रोथ है ना वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। तो बोलूंगा वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी ब्लॉग। तो लेके आऊं आप सबके लिए टॉप 10 कार ब्रांड सेल इन जून 2024। कौन सा ब्रांड रहा नंबर वन पे और कौन सा ब्रांड रहा नंबर 10 पे। अच्छा, हमें दो ब्रांड का जो डेटा अभी नहीं मिल पाया, एक है स्कोडा एक है रेनॉल्ट। अगर डेटा की तरफ से जाएं तो 10वें नंबर पे हमेशा स्कोडा रहता था और 9वें नंबर पे रेनॉल्ट रहता था, तो अभी हम उनको वहीं रखते हैं। जैसे ही मेरे पास डेटा आ जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है कि यार महिंद्रा ना डे बाय डे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। बहुत जल्दी ऐसा मुझे लग रहा है कि टाटा को वो पीछे कर देगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो चले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्टार्ट हो गया, आइए वहाँ पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर नए अपडेट्स आते रहते हैं। 8वें नंबर पर रहा आपका MG। नंबर्स की बात करी जाए कि MG की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 4644। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर MG की कितनी कार सेल हुई थी, नंबर था आपका 5125। भाई MG की जो सेल है ना वो 4-5 हज़ार पे ही अटकी रहती है, वो 10 हज़ार के पार कभी भी नहीं जा पाती है। तो 8वें नंबर पे रहा आपका MG। नंबर पे रहा आपका होंडा। नंबर्स की बात करी जाए कि होंडा की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 4804। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर होंडा की कितनी कार सेल हुई थी, नंबर था आपका 5080। भाई होंडा की जो सेल है ना वो भी सेम सी चल रही है, 4-5 हज़ार के आसपास ही चल रही है। मतलब 10 हज़ार का आंकड़ा क्यों पार नहीं कर रहा। होंडा एक ज़बरदस्त ब्रांड है लेकिन इंडिया में जो उसकी सेल है ना वो काफ़ी नीचे रह जाती है। 7वें नंबर पर रहा आपका होंडा। 6ठे नंबर पर रहा आपका किया। नंबर्स की बात करी जाए कि किया की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 21,300। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर किया की कितनी कार सेल हुई थी, नंबर था आपका 19,391। भाई किया ने भी जो ग्रोथ दिखाई ना लास्ट ईयर के हिसाब से काफी एक इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है। 4,000 कार किया ने इस बार ज्यादा सेल करी है। 6ठे नंबर पर रहा आपका किया। 5वें नंबर पर रहा आपका टोयोटा। नंबर्स की बात करी जाए कि टोयोटा की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 25,752। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर टोयोटा की कितनी कार सेल हुई थी, नंबर था आपका 19,608। 5वें नंबर पर रहा आपका टोयोटा। 4th नंबर पे रहा आपका महिंद्रा। भाई महिंद्रा की जो ग्रोथ है ना वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है। बहुत जल्दी महिंद्रा टाटा को पीछे कर देगा। नंबर्स की बात करी जाए कि महिंद्रा की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 40,022। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर महिंद्रा की कितनी कार सेल हुई, नंबर था आपका 32,585। 4th नंबर पे रहा आपका महिंद्रा। नंबर 3rd पे रहा आपका टाटा। भाई टाटा का ना सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी कार बनाता है, 5-स्टार रेटेड कार बनाता है, बट पता नहीं क्या हो गया पिछले कुछ महीने से टाटा नेक्सॉन को लोगों ने मतलब पसंद करना बंद कर दिया, उसकी सेल कम हो गई है और अब तो टाटा पूरे ब्रांड की सेल जून 2024 के अंदर काफी नीचे गिर गई है। मैं बात कर रहा हूँ जनवरी 2024 से लेके जून 2024 तक, मतलब टाटा की सेल ना अभी तक 2024 के अंदर इससे कम नहीं हुई थी। नंबर्स की बात करी जाए कि टाटा की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 43,624। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर टाटा की कितनी कार सेल हुई, नंबर आपका 47,359। भाई 4,000 का जो गैप है ना वो बहुत बड़ा होता है। मतलब टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसको हम सोचते हैं कि वो अपनी नंबर्स को आगे लेके जाएगा, बट पहली बार हमें ये देखने को मिल रहा है कि टाटा की जो सेल है ना वो कम होती दिखाई दे रही है। भाई महिंद्रा बहुत जल्दी हो सकता है टाटा को बीट कर दे। नंबर 3rd पे रहा आपका टाटा। नंबर 2 पे रहा आपका Hyundai। नंबर्स की बात करी जाए कि Hyundai की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 50,103। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर Hyundai की कितनी कार सेल हुई, नंबर आपका 50,001। सेम परफॉर्मेंस रही Hyundai की। और नंबर 2 पे रहा आपका Hyundai। नंबर 1 कार ब्रांड सेल इन जून 2024 तो वो है आपका
मारुति सुजुकी। भाई मारुति सुजुकी ना हर बार अपनी प्लेसिंग को नंबर वन पे रखता है, मतलब बहुत टाइम हो गया है, मतलब अरसा हो गया है, सालों हो गए कि मारुति सुजुकी की प्लेसिंग ना आज तक किसी ने छीनी नहीं है, चाहे वो टाटा हो चाहे वो ह्यूंडई हो। डीफेम हर कोई करेगा, उसको नेगेटिव हर कोई बोलेगा, लेकिन उसकी सेल को कोई भी रोक नहीं पाता है। उसकी सेल सच में रॉकेट की तरह हर बार ऊपर रहती है। नंबर्स की बात करी जाए कि मारुति सुजुकी की कितनी कार सेल हुई जून 2024 के अंदर, नंबर है आपका 1,48,195, 1,48,195, ऑलमोस्ट 1.5 लाख कार मारुति ने सेल करी जून 2024 के अंदर। बहुत बड़ी बात है। अगर हम नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ब्रांड को भी एक साथ मर्ज करेंगे ना, वो भी मारुति का सेल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहीं पे बात करी जाए प्रीवियस ईयर जून 2023 के अंदर मारुति की कितनी कार सेल हुई थी, नंबर था आपका 1,39,648। भाई ये भी बहुत बड़ा नंबर है, लगभग 1,40,000 कार मारुति ने पिछले साल भी सेल करी थी। भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मारुति जो कार बनाता है ना, वो तगड़ा इंजन देता है, कंफर्ट देता है, माइलेज भी बहुत तगड़ा रहता है। नंबर वन पे रहा आपका मारुति सुजुकी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक एक सब्सक्राइब करके जाइए।